हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब ज्ञान बनारस में। और मैं समझ हूँ तो सनातन धर्म इंटर कॉलेज में। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ सनातन धर्म जो दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा है उसका कार्य कितना पूरा हुआ, इसमें क्या हो रहा है सभी दिखाऊंगा। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों को बैक करना, पूरा नजारा दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ सनातन धर्म इंटर कॉलेज के जो कार्यवाहक अध्यक्ष जी है जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं यहाँ का कितना कार्य पूरा है और कितना भी बाकी है, सारी इनसे जानकारी लेंगे। तो भैया पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं सूरज जायसवाल, श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म इंटर कॉलेज कार्यवाहक अध्यक्ष। और बताइए आपका कितना कार्य इसमें पूरा हो गया है पंडाल का? 75% कार्य हमारा पूरा हो गया है, 25% बाकी है जो कि हम लोग समय से पूरा कर देंगे। और माता का दर्शन कब से शुरू हो जाएगा? 21 तारीख सप्तमी के दिन। और टाइमिंग क्या रहेगी शो का? शो का टाइमिंग शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। और सुरक्षा के लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर है? सुरक्षा के लेके जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन मिली है वो सारी सुविधा हम लोग अपने यहाँ रखे हुए हैं। सीसी कैमरे हैं, सीस फायर है, सीसी कैमरे हैं, सारी व्यवस्था है। विसर्जन की बात करें तो आपका कितने तारीख को विसर्जन होगा? मेरा विसर्जन 25 तारीख को शाम को 6 बजे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं समय सनातन धर्म इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ और देखिये सनातन धर्म का जो मैदान है इसी जगह बन रहा है पंडाल, देख रहे हैं। और इस बार यहाँ पर बन रहा है केदारनाथ धाम कॉरिडोर। देखिए काफी खूबसूरत पंडाल बन चुका है इस समय, देख रहे हैं। ये देख रहे हैं पूरा, ये सब पूरा थर्माकोल पे बनाया गया है, देख रहे हैं नक्काशीदार डिजाइन बनाया गया है। और देखिए ये सब पूरा पेंट द्वारा पूरी मंदिर की जो कि आकृति दी जा रही है यहाँ पर, देख रहे हैं। और ये देखिए पेंट द्वारा पूरा पत्थर की कटिंग बनाई जा रही है यहाँ पर। ऊपर शिखर पे देख सकते हैं, शिखर पे भी देख रहे हैं। और दोस्तों को बता दूं कि देखिए यहाँ पर काफी जो कि बंदर है जो कि परेशान कर रहे हैं, थर्माकोल को तोड़ दे रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लड़के लगे हुए हैं बंदर को भगाने के लिए। और ऊपर वहाँ पर देखे, वहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि थर्माकोल को सब तोड़ दिए हैं पूरा डिजाइन को, देख रहे हैं। काफी जबरदस्त लग रहा है पंडाल तैयार होने के बाद। और भी कार्य बाकी हैं तो चलिए ले चलते आगे और आगे का भी पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये डिजाइन देखिए काफी खूबसूरत बनाया गया है। ये सब पूरा थर्माकोल पे कटिंग हुआ है, देख रहे हैं पूरा थर्माकोल पे बनाया गया है सब। ये सब पूरा पंडाल का आगे का जितना भी फ्रंट है सब एकदम थर्माकोल से बनाया गया पूरा, देख रहे हैं पूरा ये सब, देख रहे हैं पूरा एकदम डिजाइन नक्काशी करके बनाया गया है यहाँ पर। इधर भी देखिए ये सब भी काफी जबरदस्त लग रहा है, एकदम जैसे लग रहा है एकदम हकीकत का मंदिर है। और अंदर आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की जो कि प्रतिमा स्थापित हो चुकी है और इनका जो कि अभी इलेक्ट्रिक सेटिंग किया जा रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए आपका शेर है, उधर है सरस्वती माता, गणपति भगवान, देख रहे गणेश जी का प्रतिमा। और यहाँ पे देखिए माँ दुर्गा की प्रतिमा, उधर महिषासुर है, सरस्वती माता है और देखिए वहाँ पर कार्तिकेय भगवान, देख रहे सबकी प्रतिमा यहाँ पर लग गई है। और सभी प्रतिमा यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक होता है सब आगे चलता फिरता है, देख रहे हैं। और सामने का दृश्य देखिए, सामने का भी पूरा जो कि पेंट द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है, अभी यहाँ पर पेंटिंग का कार्य चल रहा है, देख रहे। तो यहाँ पर आपको दिखाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार माँ दुर्गा जो कि जमीन से निकलेंगी ऊपर आएंगी और ऊपर आके जो कि महिषासुर का वध करेंगी। इस बार जमीन चीर कर माँ निकलेंगी और महिषासुर का यहाँ पर वध करेंगी, देख रहे हैं। और 24 फुट की प्रतिमा है, पूरे प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा इस बार यहाँ पर बैठ रही है, देख रहे हैं। ये मुड़ी पूरा आपका इधर उधर हिले डोलेगा माँ का। और इसका भी देखिए इसमें कार्य चल रहा है पूरा जो कि पेंट यहाँ पर किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर गहना और कपड़ा का कार्य चलेगा, देख रहे हैं। ये जमीन के अंदर है और ये पूरा यहाँ पर मोटर सिस्टम लगाया गया, मोटर से ऊपर नीचे ये करेगा पूरा। और देखिए यहाँ पे पूजा पाठ के लिए छोटा छोटा जो कि प्रतिमा बनाया गया है, देख रहे हैं। ये सब छोटा प्रतिमा आप जो देख रहे हैं इनको जो कि आगे रखा जाएगा, इनका पूजा होगा, देख रहे हैं पूरा। और ये देखिए महिषासुर, इसका भी जो कि मुड़ी पूरा इलेक्ट्रिक होगा,
देख रहे दोस्तों, यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ पर सेट किया जा रहा है इनका। देख रहे पूरा मोटर लगा हुआ है। इधर देखिए, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी आपका पूरा अभी वो मोटर है ना, पूरा अभी इसका सेटअप किया जा रहा है। और देखिए माँ दुर्गा का जो कि पूरा सेटअप हो गया है, अब इनका जो कि पूरा फाइनल टच दिया जा रहा है यहाँ पर। देख रहे हैं पूरा गाटर और पाइप द्वारा पूरा यहाँ पर स्टैंड बनाया गया है, मोटर की मदद से ये ऊपर आएंगे और ऊपर आके महिषासुर का वध करेंगे इस बार। और सामने ये फ्रंट देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा एकदम देखने वालों को भीड़ लगता है जबरदस्त, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। और ये बनारस का काफ़ी फेमस पंडाल होता है। देख रहे अभी पूरा ये सामान बिखरा हुआ है, यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है। और दोस्तों इधर भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं पूरा एकदम डिजाइन और तैयार है यहाँ पर इनका। और देखिए ऊपर ओम भी लगा हुआ है, देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लोग बंदर भगा रहे थे क्योंकि बंदर काफ़ी परेशान कर रहा है यहाँ पर। देख रहे बंदर को भगाने के बाद ये लोग नीचे आ रहे हैं, काफ़ी आतंक मचाए हुए हैं बंदर ऊपर। देख रहे हैं ऊपर का डिजाइन तोड़ दिए हैं शिखर का। तो सब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये सीढ़ी बना के पूरा रखा गया है। देख रहे हैं ये सब पूरा थर्माकोल का है। और इस पर देखिए पूरा पेंटिंग करके एकदम रियल का एकदम सीढ़ी लग रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। दोस्तों को बता दूं कि यहाँ पर 10 फुट ऊपर नंदी महाराज जो कि विराजित हो गए, जैसे केदारनाथ धाम में है उसी तरह यहाँ पर भी बनेगा। और नीचे लोग खड़ा होके यहाँ पर जो कि पूरा शो देखेंगे माँ दुर्गा का, देख रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर भी पूरा डिजाइन तैयार करके रखा गया है। देख रहे हैं पूरा ये सब थर्माकोल का बना हुआ है, ये सब पूरा देखे कंप्लीट करके यहाँ पर रखा गया है। अब इसे जो कि आगे ले जाकर पंडाल में सेट किया जाएगा। देख रहे हैं ये सब पूरा पंडाल का सेटअप है। देखे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सब पिलर है, दीवार है जो केदारनाथ धाम कॉरिडोर में लगने वाला है। और ये देखिए, देख रहे हैं ये वाला डिजाइन, ये सब पूरा एकदम थर्माकोल पर बना हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी नक्काशीदार बनाया गया है। देख रहे हैं पूरा एकदम थर्माकोल पर नक्काशी बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा पेंट है, इसी पेंट का प्रयोग किया जा रहा है। देख रहे हैं ये देखिए, ये भी एक शिखर बना हुआ है। देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर शेर भी है, पूरा ये सब पूरा एकदम आपका थर्माकोल पर बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा एकदम यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है इस मोटर के द्वारा, ये पेंटिंग वाला मोटर है। देख रहे हैं पूरा, और इधर देखा, इधर देख सकते हैं, इधर भी देखिए ये सब पूरा आपका डिजाइन है। देख रहे हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी महाराज बन चुके हैं, ये जो कि पंडाल के आगे 10 फुट ऊपर जो कि इनको विराजित किया जाएगा। देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत नंदी महाराज का यहाँ पर बना हुआ है। और ये आपका टोटल थर्माकोल का है, देख रहे हैं थर्माकोल पे ये पूरा बनाया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम जैसे लग रहा है एकदम पत्थर का बना हुआ है चाहे रियल में, एकदम उसी तरह एकदम लग रहा है देखने में। देख रहे हैं एकदम रियल के नंदी महाराज लग रहे हैं यहाँ पर। और ये भी देखिए, ये भी शिखर है। और ये पंडाल के आगे 10 फुट ऊपर इनको विराजित किया जाएगा। तो दोस्तों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अपने जा दीजिए, हर हर महादेव।